भाजपा ने मिशन 29 पर जीत हासिल करने के लिए रतलाम संसदीय सीट पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां पत्नी अनीता चौहान को जीतने के लिए कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने विशेष रणनीति बनाई है, जिसको लेकर उन्होंने एमपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और रतलाम संसदीय सीट पर विजय का फॉर्मूला बताया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के आगाज में बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री आते हैं, वन मंत्री हैं नागर सिंह जी चौहान, जिनके घर से धर्मपत्नी चुनाव लड़ रहे हैं, संसदीय प्रत्याशी हैं झाबुआ से। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कुछ खास मुद्दे हैं भाई साहब, झाबुआ के लिए क्या कुछ खास मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, झाबुआ रतलाम अलीराजपुर लोकसभा आदिवासी सीट है और आदिवासी भाइयों बहनों को बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखते होंगे मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कानून बनाया था, उसके कारण आज गांव में सड़कें पहुंच गई। लेकिन झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, यहाँ पर आज भी जो हमारे मोहल्ले हैं जिसको आदिवासी भाषा में फैले कहते हैं, अभी तक फैले तक हमारी सड़कें पहुंची नहीं है। अच्छा, झाबुआ क्षेत्र में, झाबुआ जिले में, मैंने कहा ना आदिवासी जिले, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, जितने भी आदिवासी जिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क का अधिनियम था कि 1000 की आबादी तक उस सड़क को भेजना। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पंच परमेश्वर योजना लागू की, उसके कारण हमने मोहल्ले तक सीमेंट कांक्रीट रोड वगैरह पहुँचाए, लेकिन आज भी एक एक गांव में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 15-15 फलिए हैं, जहां आज भी कहीं ना कहीं फलिए सड़कों से विहीन है। तो मैं जब झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मेरी धर्मपत्नी अनीता यहाँ से जीतेगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी और हमारे जो पंचायत ग्रामीण विकास के मंत्री जी हैं उनसे बातचीत करके कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जितने हमारे गांव के फले बचे अंतिम फले तक सड़कें पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि सड़क के बिना गांव का विकास नहीं हो सकता। अब गांव में सड़क पहुँच के विकास तो के, लेकिन फले जो बच्चे वहाँ सड़कें पहुँचना चाहिए, और जिस दिन सड़क पहुंच जाएगी उस दिन शिक्षा पहुंच जाएगी, सड़क पहुंच जाएगी उस दिन बिजली पहुंच जाएगी, सड़क पहुंच जाएगी उस दिन शिक्षा पहुंच जाएगी, सड़क पहुंच जाएगी तो स्वास्थ्य पहुंच जाएगा, और सड़क अगर उस मोहल्ले और फले तक पहुंच गई तो सरकार की सारी योजनाओं का आम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए इस बार मैंने जनता से भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनना है केंद्र में। हमने, जनता ने तय किया कि इस बार 400+ का जो नारा जनता ने दिया है उस लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। उसके बाद मोदी जी को और हमारे पंचायत मंत्री से बात करके उनका कैसा विकास हो सके उस पर हम लोग प्रयास करें। चौहान साहब, बात देखने में आई है कि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी समस्या है पलायन की। आदिवासी वर्ग वहाँ से पलायन करके दूर शहर में, दूर प्रदेश में जाता है, व्यापार व्यवसाय करता है और पैसा कमा के वापस आता है बार त्यौहार पर, तो ये समस्या क्या है जो इसे कहीं ना कहीं रोकने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे? देखिए, आदिवासी जो ज़िले हैं वहाँ पर जनसंख्या का बहुत दबाव है। क्या है कि हमारा जो आदिवासी भाइयों बहनों के पास जमीन सीमित है, कोई के पास 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 4 एकड़ है, 5 एकड़ है, और परिवार में संख्या बहुत है, 5 भाई है, 6 भाई है, 7 बहनें हैं, 10-10, 12-12 जनसंख्या। अब 1-2 व्यक्ति जमीन करता है, बाकी लोग हमारे जो गुजरात में जाते हैं, खासकर अधिकतर हमारा जो आदिवासी भाई बहन अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम के लोग गुजरात जाते हैं। गुजरात में जो हमारे बड़े बड़े किसान हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनकी जो जमीन खाली पड़ी है और वहाँ पर हमारे जो आदिवासी भाई बहन बटाई में काम करते, 30% राशि उनको मिलती बिना लागत की, तो 4 महीने की खेती होती है, और जब यहाँ से खेती करने के लिए जाता है तो उनको अच्छा मुनाफा होता है। वहाँ पर ज़मीन बहुत अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, उसके कारण हमारा आदिवासी भाई बहन गुजरात में जाके खेती करता और बहुत अच्छा पैसा कमाता। उसके कारण हमारा आदिवासी भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति भी में काफ़ी सुधार हुआ है,
लेकिन हमारा प्रयास ये भी है कि मैं अभी अलीराजपुर से मैं चौथी बार विधायक बना हूँ। हमने जब मैं विधायक बना सिजावड़ा में हमने उद्योग के लिए जमीन आवंटित कराई, वहाँ सारे बिजली पानी सड़क की व्यवस्था की। और मेरी कोशिश ये रही कि अलीराजपुर ज़िले में मैं चुनाव लड़ा था उस समय मैंने तय किया था कि अलीराजपुर के हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं युवा है जो हीरा घिसने का काम करते हैं तरासने का काम करते हैं सूरत में जाते हैं गुजरात जाते हैं तो गुजरात के उद्योगपतियों ने वहाँ पर प्राइवेट मकानों में हीरा घिसाई की फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगाई। जब मैंने वहाँ पर दौरा किया जब मैंने कलेक्टर और अधिकारियों से जब मैं विधायक बनने के बात की और अभी मैं आने वाले समय में जो हमारा अलीराजपुर का छकतला गांव है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषित तो हो गया है, आने वाले समय में वहाँ हम उद्योग लगाएंगे तो हम आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार युवा उनको हीरा घिसाई का जो काम गुजरात में करते हैं उनको यहाँ रोज़गार मिलेगा। तो आने वाले समय में ऐसे अलग 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 झाबुआ ज़िले में भी करना चाहिए, रतलाम में तो है ही, अलीराजपुर, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। चलते चलते अंतिम में संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती होगा साथ ही कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं? देखिए चुनाव में किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं मोदी जी की जो योजना है उससे प्रभावित होकर झाबुआ अलीराजपुर रतलाम लोकसभा सीट ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल प्राप्त करेगी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नागर सिंह जी चौहान जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, ऐतिहासिक मतों से जीतने का दावा भी किया। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज़ इंदौर।